स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नालंदा जिले के रहुई प्रखंड की कई पंचायतों में जन प्रतिनिधियों द्वारा तिरंगा फहराया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों की भी भागीदारी रही। अम्बा पंचायत में मुखिया सुशीला देवी ने गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि अविनाश प्रसाद सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए विशेष महत्व रखता है। ये दिन हमें न केवल हमारी आजादी की याद दिलाता है बल्कि राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका का भी स्मरण कराता है। वहीं मई फरीदा पंचायत में मुखिया धर्मेंद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी स्वतंत्रता अनगिनत बलिदानों की गाथा है। आज का मजबूत भारत उन्हीं बलिदानों की नींव पर खड़ा है। सोनसा पंचायत में मुखिया अशोक पासवान ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि विनोद मुखिया ने कहा कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास में अद्वितीय है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमने न केवल आजादी हासिल की बल्कि दुनिया को शांतिपूर्ण विरोध का एक नया मॉडल दिया। आज स्वतंत्रता दिवस का 78वां साल है और अम्बा पंचायत में माननीय मुखिया जी के द्वारा झंडोत्तोलन पंचायत सरकार भवन में किया गया। हम अम्बा पंचायत समेत समस्त जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो तिरंगा हम लोग फहराते हैं, तीन रंगों का समागम नहीं बल्कि पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई का इस समागम है। मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी लोग मिलजुल कर इस स्वतंत्रता दिवस को हम लोग उत्साह पूर्वक सभी लोग मनाएं। आज पूरे भारतवर्ष में 15 अगस्त के अवसर पर 78 वर्ष मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे बिहारवासी, पूरे सोनसा पंचायत के मुखिया जी अपने पंचायत में झंडा उत्तोलन किए हैं और सरपंच साहब और मुखिया जी 5 पौधा लगाने का काम किए हैं, जो सरकार का दिशा निर्देश था कि हरेक पंचायत में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाए। उसमें मुखिया जी, सरपंच साहब और पंचायत सेवक और हम भूतपूर्व मुखिया हैं और हम भी साथ में पेड़ लगाए हैं। आज भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस है, जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमने अपने पंचायत में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया है। पूरे पंचायतवासियों को बुलाया गया है, पूरा पंचायतवासी भी यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग यहाँ जुटे हैं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिलावासियों की क्या संदेश? जिलावासियों के लिए कह रहे हैं सर, शांतिपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मना लिए होंगे शायद, अगर नहीं मनाए होंगे तो मना लें और आशा करते हैं कि सभी जगह स्वतंत्रता दिवस मना लिया।